लॉकडाउन ज़रूरी भी है, लेकिन बहुत से लोगों को इससे परेशानी भी हो गई है। ऐसे ही एक साहब यहाँ देखिए, ये लेटे हुए हैं। ये बताइए, आपको मालूम है सरकार ने 21 दिन का बंद कर दिया है, फिर भी आप यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कहाँ जाएं? पहले कहाँ रहते थे आप? नहीं, कहीं भी सो जाते हम तो, पटरी पर, मेट्रो स्टेशन के नीचे, कभी पुल के नीचे। घर कहाँ है आपका? हरियाणा है, वहाँ पे भी झोंपड़ी गिरी हुई है, बच्चे रहते हैं उसमें। आपके पास राशन कार्ड है? राशन कार्ड गांव का ही बना हुआ है। कहाँ का? हरियाणा का, यहाँ का? नहीं, हरियाणा का। हरियाणा का। अब यहाँ पे कब से रह रहे हैं, जिस यहाँ पे लेटे हुए हैं आप? यहाँ पे तो मेरे को 4 साल हो गए। तो आप ऐसे ही रहते हैं, रात में कहाँ पे रहते हैं आप? रात को यहीं सोता हूँ। कोई दिक्कत नहीं होती है? पानी है, आधी, तूफान, कुछ नहीं? यहाँ पे इसके नीचे चला जाता हूँ या कहीं किसी दुकान के नीचे लेट जाता हूँ टीन में जाके। तो खाना वाना खाया आपने आज? आज सुबह 2 पूरी मिली थी। किसने दिया था पूरी आपको? एक गाड़ी वाला दे के गया था। और वैसे कहाँ खाते हैं आप? पहले तो होटल पे कोई ना कोई खिला ही देता था, जब से होटल बंद है कोई भी नहीं दे रहा है कुछ। कोई दे जाता बिस्कुट, बिस्कुट वो खा लेते हैं। तो आपको ये पता है कि रात में आप कहाँ खाइएगा? नहीं, कुछ नहीं पता। कोई दे गया तो खा लेंगे, नहीं तो ऐसे बैठ जाएगी। कितने बच्चे हैं आपके? 4। वो कहाँ है? गाँव में ही है। अच्छा, आप अकेले यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी। तो इस बंदी जो हो गई है उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है? पैसे, कुछ पैसे मिल जाते थे आपको, आप नहीं मिल पा रहे? कुछ भी नहीं मिल रहा। अब तो पहले कौन देता था पैसा आपको? पहले दुकानदार तो ये दे देते थे, कोई 10 देता था, कोई 5 देता था, कोई 1-2 ऐसे करके। तो इस तरह जो आप खुले में लेटे हुए हैं, बीमारी फैली हुई है, बहुत से लोग डरते हैं बीमारी हो जाएगी, आपको डर नहीं लगता कि आप बीमार हो जाएंगे? अब इतने तो सारे तो हम जले हुए हैं, अब कितनी बीमारी से तो झेलते पा रहे हैं। तो कैसे जल गया आप, कैसे जल गया आपका ये? ये स्टोव फट गया था। स्टोव फट गया था? तो आपका दिन ऐसे ही कटता, कहीं काम वाम नहीं करते आप? नहीं। क्यों नहीं करते कहीं काम आप? नहीं कर पाता, दोनों पैरों का मांस लेके चढ़ा रहा। अच्छा, पाँव में भी दिक्कत है आपको? अच्छा अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, लोग कैसे मदद करें आपकी? जैसे मर्जी, जो भी कुछ खाने का हो तो दे दे, खा लूँगा मैं, नहीं तो मैं सो जाऊँगा। ऐसे ही सो रहेंगे? अब वहाँ जो घर पे आपके बीवी बच्चे, वो कैसे खाएंगे? अभी 1 महीने तो कुछ नहीं दिया है, पहले तो मैं दे रहा था पैसे। पैसे उनको भेज रहे थे आप, अब उनको पैसे भी नहीं भेज पा रहे? अब अपने लिए खाने के लिए नहीं मिल रहा। इधर एक आँख का ऑपरेशन हो गया, एक और होना। ऑपरेशन कहाँ करा लिया आपने? ऑल इंडिया में कराया। ऑल इंडिया में कराया था आपने? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। तो अभी रात में यहीं पे लेट जाएंगे आप? हाँ जी, ये रहा अल्ट्रासाउंड तब कुछ है मेरे पास। कोई खाना लेके आएगा तो खा लिया, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, ऐसे भूखे रह जाएंगे। तो आजकल ऐसा भी होता है कि कभी भूखे रह जाते हैं आप? कई बार हो जाता है, आता है तो देने आते तो लगातार 2-3 दिन दे जाते, नहीं देंगे तो कोई भी नहीं आता। अच्छा, कई दिन भूखे भी रह जाते हैं आप? यानी कि जो लॉकडाउन हो गया इससे आपको परेशानी भी बहुत हो रही है। हाँ, मगर ज़रूरी भी है ना, देश के लिए, सेहत के लिए ज़रूरी भी है ये। क्या लगता है आपको, ज़रूरी भी तो है ना ये सब, घर के अंदर करना ज़रूरी भी है? हमारे पास तो कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं।